नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रामीण डाक सेवक साइकिल जो हरियाणा सर्कल है उसमें पोस्ट निकली है, ग्रामीण डाक सेवक में BPMO और ABPM की। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट निकली हैं, जिसमें कुल कुल पद 608 के करीब हैं। कितने कुल पद हैं? 608, जिसमें EWS की 60 सीटें हैं, OBS की 147, PWD A की 5, PWD B की 6, PWD C की 7, PWD DE की 1, SC की है 106 और जर्नल की कितनी है? 276 पोस्टें हैं। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, जॉब प्रोफाइल क्या है? BPM की है, ABPM की है और ग्रामीण डाक सेवक की है, जिसमें BPM का जो मिनिमम TRC है 4 वर्ष के लिए वो है 12,000 और 5 वर्ष के लिए 14,500, और ABPM और डाक सेवक के लिए कितना है? 10,000 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए 12,000। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी एज में है, जो द मिनिमम और मैक्सिमम एज 8/6/2020 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, जिसमें 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए, जिसमें कैटेगरी SC को और ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल। इसमें EWS कैंडिडेट को कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में और लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंडक्ट होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज कंपलसरी, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो कंपलसरी है इसमें। जैसे हरियाणा है, हरियाणा के लिए लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इसलिए उसमें हिंदी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर दिखाई गई है कि किस सर्कल की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब लोकल लैंग्वेज है। आप हमने देखना है हरियाणा की, हरियाणा की कौन सी है? हिंदी, इसीलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज क्या हुई? हिंदी, इसीलिए इसका नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी GDS प्रेफर्ड इन ऑल अबाउट द रिकॉर्ड फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एट लीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बागौर, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किसी भी प्राइवेट से भी हो, वो 60 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स होना ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस, द कंडीशन ऑफ द अप्लाइंग BPM मस्ट बी ब्रांच ऑफिसर्स द बिल्डिंग्स पंचायत प्रॉपर एंड द ब्रांच शुड बी लोकेटेड इन द मेन BC। मतलब उसी एरिया का रेसिडेंस होना जरूरी है। जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का ही भर सकता है, कोई बाहर का नहीं भर सकता। आगे है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्रेफर रिक्वेस्ट कंडीशन फॉर ऑल GDS कैंडिडेट पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स नॉलेज राइडिंग ऑफ स्कूटर मोटरसाइकिल। अगर स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आता है वो भी चल जाएगा, उसको साइकिल की नॉलेज के अंदर ही काउंट किया जाएगा। आगे है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन।
मतलब सिलेक्शन क्या होगा, कोई इसमें एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, जो आपने 10th में नंबर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसी के आधार पर ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर नो वेटेज विल बी गिवन हायर क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, आपने BA, MA, BEd, PhD कर रखी है, उसका कोई वो वेटेज नहीं मिलेगा। आपने जितने 10वीं में नंबर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर इन केस ऑफ मतलब किसी के नंबर सेम है तो उसमें एज को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। आगे है साइकिल ऑफ नोटिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, मतलब अब ऑनलाइन अप्लाई करना है 8/6/2020 से 7/7/2020 के बीच में, और इसमें जो फी पेमेंट है उस OC, OBC, EWS मेल ट्रांसजेंडर के लिए 100 रुपये फीस है। ईच सेट ऑफ फाइव ऑप्शन के ईच सेट के लिए कैंडिडेट हु रिक्वेस्ट टू मेक द पेमेंट टू विजिट हेड ऑफिस में पेमेंट करनी है इसकी। आपको नेम्स ऑफ द ऑफिस इज अवेलेबल, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होगा ना उसकी स्लिप लेकर हेड ऑफिस जाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगी। आगे ये है क्या क्या, मतलब फोटो किस फॉर्मेट में, 10th की DMC अपलोड करनी है ऑनलाइन में किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म मतलब DOB भी उसमें हो जाती है 10th वाले, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, मतलब ये सारे किस साइज में अपलोड करने ये दिखाया गया है। आगे है तो ये है इसकी जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की, उसकी फुल डिटेल्स, मतलब किस डिवीजन में कौन से हेड ऑफिस में कितनी पोस्टें हैं, ये इसमें पूरी ये लिस्ट दी गई है जो 33 पेज तक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।